देश विदेश में भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई है, देश को आगे ले जाने की जरूरत है, ऐसा बयान आया है दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि देश को आगे ले जाने की जरूरत है, लेकिन ऐसे में देश की छवि विदेश में खराब की जा रही है। यानी कि राहुल गांधी पर उन्होंने तंज किया, उन्होंने जो भाषण कैम्ब्रिज में दिया, उसके अलावा कई और मंचों पर जिस तरह से लोकतंत्र पर उन्होंने सवाल उठाया, मीडिया की स्वतंत्रता पर उन्होंने सवाल उठाया, इसी को लेकर अब दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है और इसी से देश का विकास होगा। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से चलते हैं। उनके पूर्वजों ने संघ के बारे में बहुत कुछ कहा है, उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। तो राहुल गांधी पर आरएसएस का ये बड़ा हमला, और साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि देश विदेश में भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, देश को आगे ले जाने की जरूरत है। दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से ये बयान आया है राहुल गांधी पर आरएसएस का ये हमला। तो एक तरफ दोनों सदनों में इसे लेकर हंगामा हो रहा है, बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, इसे लेकर अब जहां बीजेपी के नेता भी लगातार राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, दत्तात्रेय होसबोले भी ये कहते हैं कि विदेश में जाकर इस तरह की बात कहना ये अपमान है, भारत की छवि खराब करने की कोशिश है, हमें देश को आगे ले जाने की जरूरत है, ना कि इस तरह की बयानबाजी की। राहुल को और जिम्मेदार बनाने की जरूरत है, उन्होंने कहा, राहुल गांधी पे तंज करते हुए कहा कि राहुल का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, उसके तहत वो आगे बढ़ते हैं, उसी के तहत वो अपनी बातें रखते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि उन्हें इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। देश विदेश में भारत की छवि खराब होती है इससे, आप जो भी बात कहते हैं, जिस भी तरह का भाषण देते हैं, वो सीधे तौर पर ये बताता है कि आप अपने देश की बात कर रहे हैं विदेशी जमीन पर, और अब देश को आगे ले जाने की जरूरत है, ना कि इस तरह के बयानबाजी की या इस तरह के भाषण की। तो हरियाणा में आरएसएस की ये बैठक चल रही है जिसका आज आखिरी दिन है, इसी बैठक के दौरान ये बयान सामने आया है, राहुल का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है आरएसएस की तरफ से, ये बड़ा हमला और बड़ा आरोप राहुल गांधी पर लगा है, विदेश में छवि खराब करने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी के बयान पर आरएसएस की क्या प्रतिक्रिया आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। भारत को अभी और आगे ले जाना है, राहुल गांधी पर आरएसएस ने ये बड़ा हमला करते हुए कई आरोप यहां पर राहुल के बयान को लेकर लगाए हैं, राहुल को और जिम्मेदार बनने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है राहुल गांधी को, अपने पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से ही वे चलते हैं, उनके पूर्वजों ने संघ के बारे में बहुत कुछ कहा है। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी आरएसएस को लेकर क्या क्या कह चुके हैं, किस तरह से वो आरएसएस पर निशाना साधते हैं, ये सबके सामने है, लेकिन उन्होंने जो विदेश में कैम्ब्रिज में भले उनका लेक्चर हो या उसके अलावा जो उन्होंने बातें कही लोकतंत्र को लेकर कही और साथ ही देश के संघीय ढांचे को लेकर उन्होंने जो सवाल उठाए, मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, संसद में विपक्ष की स्वतंत्रता पर भी उन्होंने सवाल उठाया। इसे आपने जिक्र भी किया कि कोई व्यक्ति देश के बाहर जाकर भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, खासतौर पर संघ को लेकर राहुल गांधी ने हाल के दिनों में मुस्लिम ब्रदरहुड, फांसीवादी संगठन जैसी बातें कही हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या संघ की शाखाओं में जो महिलाओं की एंट्री की बातचीत हो रही, जिस पर विचार चल रहा था, इस बैठक में कोई फैसला हुआ है क्या? पहले विषय के बारे में कहता हूँ, मुझे लगता है इसके बारे में कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फील्ड के हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया, देश के लोग भी दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे सीख रहे हैं, रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते यू शुड एक्सप्रेस मोर रिस्पॉन्सिबिली एंड सी द रियलिटी। तो आपने सुना दत्तात्रेय होसबोले ने जो भी कहा, उन्होंने कहा कि राहुल अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, क्योंकि विदेश में किसी भी तरह की बात कहना देश की छवि को खराब करता है, और
इस तरह राहुल के पूर्वजों ने आरएसएस पर हमला बोला। जब उनसे राहुल को लेकर सवाल किया गया कि आरएसएस पर राहुल हमेशा तीखी प्रतिक्रिया देते हैं, कई तरह की बातें वो कह चुके हैं, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज भी आरएसएस को लेकर बहुत कुछ कहते रहे हैं और बहुत कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन अब राहुल को देश के प्रति जिम्मेदार होना होगा, छवि के प्रति जिम्मेदार होना होगा, क्योंकि देश का अपमान होता है आप जिस भी तरह की बात किसी दूसरे देश की जमीन पर कहते हैं। तो हरियाणा के पानीपत शहर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है और इसी बैठक के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बातें सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से कही गई हैं। यहां पर उन्होंने संघ के एजेंडे के बारे में तो बात की ही, साथ ही राहुल गांधी पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, भारत को अभी और आगे ले जाना है।